चलिए आगे बढ़ते हैं अब डिस्कस करते हैं लॉगर जिसको लॉग भी बोलते हैं चलिए डिस्कस करते हैं कि टू का पावर फोर इजल टू सिक्सटीन यानी कि टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू तो टू का पावर फोर निकालना तो काफ़ी इजी है यानी कि टू का पावर फोर इजल टू सिक्सटीन इसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजीज होती हैं वो सीख लेते हैं कि जो टू है उसको हम बोलते हैं बेस जो फोर है उसको हम बोलेंगे एक्सपोनेंट यानी कि पावर जिससे हमारा आंसर आएगा यानी कि सिक्सटीन अगर इसको लॉग के फॉर्म में लिखोगे तो ये बन जाता है लॉग टू सिक्सटीन इजिकल टू फोर यानी कि लॉग बेस टू द आंसर इजिकल टू एक्सपोनेंट समझ में आ रहे दोस्तों आपका बेस टू है आपका आंसर सिक्सटीन है और आपका एक्सपोनेंट फोर है तो मैं बोल सकता हूँ लॉग सिक्सटीन टू द बेस टू इज़ ईक्ल टू एक्सपोनेंट यानी कि फोर तो लॉग कुछ इस तरीके से काम करता है लॉग आंसर टू द बेस इज ईक्ल टू एक्सपोनेंट ठीक है आगे बढ़ते हैं अगर कहीं पर सिर्फ लॉग ट्वेंटी फ़ोर लिखा हो तो वहाँ पर जो बेस होता है वो ई होता है मतलब कहीं पर अगर सिर्फ लॉग ट्वेंटी फोर लिखा है उसको आपको रीड करना है लॉग ई ट्वेंटी फोर यानी कि लॉग ट्वेंटी फोर टू द बेस ई ठीक है एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको लॉग वन पॉइंट वन टू सेवन फाइव निकालना है मतलब अगर आपको लॉग वन पॉइंट वन टू सेवन फाइव टू द बेस e निकालना है तो आपको कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा तो चलिए कैलकुलेटर यूज़ करते हैं एंड लॉग वन पॉइंट वन टू सेवन फाइव निकालते हैं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले तो जिस चीज़ का आपको लॉग निकालना है यानी कि वन पॉइंट वन टू सेवन फाइव उसका आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा यानी कि रूट 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 ट्वेल्व टाइम्स सबसे पहले कैलकुलेटर में मैं लिख लूँगा वन पॉइंट वन टू सेवन फाइव ठीक है अब इसका रूट निकालना है यानी कि स्क्वायर रूट निकालना है ट्वेल्व टाइम्स तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व तो मेरे कैलकुलेटर में आंसर आ गया वन पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो जीरो ज़ीरो टू नाइन टू नाइन सेवन नाइन एट ठीक है अब इसमें मैं करूँगा माइनस वन तो मैंने कर दिया माइनस वन मेरे कैलकुलेटर में आंसर आ गया जीरो पॉइंट जीरो 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 टू नाइन टू नाइन सेवन नाइन एट यानी कि जीरो पॉइंट डबल जीरो डबल ज़ीरो टू नाइन टू नाइन सेवन नाइन एट अब मैं डिवाइड कर दूंगा बाय द मैजिकल नंबर जो कि हमने सीखा था कंटिन्यूस कंपाउंडिंग में यानी जहाँ पर हम ई का पावर कैलकुलेट कर रहे थे तो यहाँ पर मैं मैजिकल नंबर से डिवाइड कर दूंगा विच इज़ ज़ीरो पॉइंट ट्रिपल जीरो टू डबल फोर वन सेवन टू ज़ीरो सिक्स तो डिवाइड ज़ीरो पॉइंट ट्रिपल जीरो टू डबल फोर वन सेवन टू जीरो सिक्स इक्वल टू दबाया तो मेरे कैलकुलेटर में आंसर आया जीरो पॉइंट वन वन नाइन नाइन समथिंग तो मैं इसको लिख सकता हूँ जीरो पॉइंट वन वन नाइन नाइन और ट्वेल्व परसेंट तो लॉग वन पॉइंट वन टू सेवन फाइव इज इक्वल टू लॉग वन पॉइंट वन टू सेवन फाइव टू द बेस ई यानी कि ट्वेल्व परसेंट तो इस तरीके से लॉग निकलता है और क्वेश्चंस में कहीं कहीं अगर आपको यूज़ करना पड़े लॉग या फॉर्मूला में यूज़ करना पड़े लॉग तो इस तरीके से लॉग काम करता है तो पहले तो लॉग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है यानी कि लॉग आंसर टू द बेस इज इक्वल टू एक्सपोनेंट उसके बाद अगर लॉग ट्वेंटी फ़ोर लिखा है उसका मतलब होगा लॉग ट्वेंटी फोर टू द बेस ई और अगर आपको लॉग वन पॉइंट वन टू सेवन फाइव या फिर किसी और चीज़ का लॉग निकालना है तो ये थ्री स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे पहले स्क्वायर रूट फिर माइनस वन फिर डिवाइड बाय मैजिकल नंबर ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं डर्टी पावर का डर्टी पावर का मतलब ये होता है कि अगर आपको टू का पावर वन बाय टू कैलकुलेट करना है यानी कि टू का स्क्वायर रूट निकालना है तो काफ़ी सिंपल है वन पॉइंट फोर वन फोर टू लेकिन कई बार क्वेश्चंस में हमको डर्टी पावर यूज़ करना पड़ता है फॉर एग्ज़ाम्पल टू का पावर वन बाय थ्री निकालना है इसको कैसे निकालेंगे तो इसके लिए हमको तो कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा चलिए कैलकुलेटर यूज़ करते हैं और टू का पावर वन बाय थ्री निकालते हैं तो सबसे पहले तो जो बेस है आपका यानी कि टू उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे ट्वेल्व टाइम्स टू आपका बेस है और वन बाय थ्री जो है आपका दिस इज एक्सपोनेंट यानी कि पावर तो टू को बेस बोलते हैं और जो उसका पावर है वन बाय थ्री उसको एक्सपोनेंट बोलते हैं तो सबसे पहले जो बेस है टू उसका स्क्वायर रूट निकालना है ट्वेल्व टाइम्स तो मैंने कैलकुलेटर में ले लिया टू का तो स्क्वायर रूट निकालूंगा ट्वेल्व टाइम्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व तो कैलकुलेटर में आ गया वन पॉइंट ट्रिपल ज़ीरो वन सिक्स नाइन टू थ्री नाइन सिक्स नाइन यानी कि वन पॉइंट ट्रिपल जीरो वन सिक्स नाइन टू थ्री नाइन सिक्स नाइन फिर कर दूंगा माइनस वन तो माइनस वन इजिकल टू जीरो पॉइंट ट्रिपल जीरो वन सिक्स नाइन टू थ्री नाइन सिक्स नाइन यानी कि जीरो पॉइंट ट्रिपल जीरो वन सिक्स नाइन टू थ्री नाइन सिक्स नाइन फिर मल्टीप्लाई कर दूंगा एक्सपोनेंट से यानी कि पावर से मतलब मुझे मल्टीप्लाई करना है वन बाय थ्री से यानी कि कुल मिला के cool मैं डिवाइड करूँगा थ्री से कैलकुलेटर में डिवाइड करेंगे थ्री से तो कैलकुलेटर तो में आ गया ज़ीरो पॉइंट जीरो ज़ीरो 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 फाइव सिक्स फोर वन थ्री टू थ्री यानी कि ज़ीरो पॉइंट जीरो ज़ीरो जीरो ज़ीरो फाइव सिक्स फोर वन थ्री टू थ्री फिर कर दूंगा प्लस वन यानी कि प्लस वन वन पॉइंट ज़ीरो 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 फाइव सिक्स फोर वन थ्री टू थ्री यानी कि वन पॉइंट जीरो ज़ीरो जीरो जीरो फाइव सिक्स फोर वन थ्री टू थ्री फिर करना है इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू ट्वेल्व टाइम्स तो इंटू इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व तो आगे वन पॉइंट टू फाइव नाइन नाइन समथिंग यानी कि वन पॉइंट टू फाइव नाइन नाइन थ्री सेवन आपका आंसर आ गया यानी कि टू का पावर वन बाय थ्री होता है वन पॉइंट टू फाइव नाइन नाइन थ्री सेवन तो आपको ये फाइव स्टेप्स फॉलो करने हैं अगर कहीं पर भी आप फर्स्ट जाओ यानी कि आपको डर्टी पावर का सामना करना पड़े ये फाइव स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं बेस का स्क्वायर रूट निकालना है माइनस वन करना है मल्टीप्लाई कर देना एक्सपोनेंट के साथ प्लस वन कर देना है इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू ट्वेल्व टाइम्स करना है ठीक है तो इस तरीके से डर्टी पावर कैलकुलेट होता है आगे बढ़ते हैं अब डिस्कस करेंगे टैक्स सेविंग ऑन द इंटरेस्ट यानी कि टैक्स शील्ड ऑन इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा कई बार हम सुनते हैं कि इंटरेस्ट एक्सपेंस जो होता है उससे टैक्स की सेविंग होती है बट हमको ये क्लियर नहीं हो पाता कि एक्चुअली में टैक्स सेविंग होती कैसे आइए देखते हैं कि टैक्स सेविंग होगी कैसे मैंने एक इनकम स्टेटमेंट का एक्सट्रैक्ट बनाया है मेरा ई बी आई टी हंड्रेड रुपीज़ यानि कि मेरा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज़ हंड्रेड रुपीज़ मैं इंटरेस्ट पटा रहा हूँ फ़ाइव परसेंट ऑफ दो सौ रुपये मान के चलो दस रुपये यानी कि हंड्रेड रुपीज़ माइनस टेन रुपीज़ तो ई बी टी अर्निंग बिफोर टैक्स नब्बे रुपये मेरा टैक्स परसेंटेज है थर्टी परसेंट यानी कि नाइन्टी का थर्टी परसेंट ट्वेंटी सेवन मैं टैक्स पटा दूंगा मेरा पैट यानी कि ई ए टी आ जाएगा सिक्सटी थ्री रुपीज़ मेरा सिक्सटी थ्री रुपीज़ पैट यानी कि ई आई टी तब आया जब मैंने इंटरेस्ट पटाया दस रुपये का मान के चलो मैं कुछ इंटरेस्ट नहीं पटा रहा हूँ फिर भी मेरा ई बी आई टी सौ रुपये आया है तब क्या होगा तब ई वी आई टी में से माइनस कर दूंगा नील मतलब इंटरेस्ट तो कुछ है नहीं तो ई बी टी हो जाएगा हंड्रेड रुपीज़ अब सौ रुपये पे थर्टी परसेंट टैक्स पे करना है यानी कि तीस रुपये टैक्स पे करूँगा यानी कि पैट आ जाएगा सत्तर रुपये तो आप नोटिस करेंगे जब मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस था यानी कि दस रुपये इंटरेस्ट पटा रहा था तब टैक्स पे कर रहा था सत्ताईस रुपये ट्वेंटी सेवन रुपीज़ और जब मैं इंटरेस्ट नहीं पटा रहा हूँ तो थर्टी रुपीज़ टैक्स पे करना पड़ रहा है यानी कि एक्स्ट्रा टैक्स पेड थर्टी माइनस ट्वेंटी सेवन तीन रुपये का टैक्स मैं ज़्यादा पे कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज मैं इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं बियर कर रहा हूँ यानी कि मैं कुछ इंटरेस्ट नहीं पटा रहा हूँ अगर इंटरेस्ट होता इफ देयर इज़ इंटरेस्ट दिस वुड हैव बीन सेव्ड यानी कि तीन रुपये बच जाते यानी कि तीस रुपये की जगह सिर्फ ट्वेंटी सेवन रुपीज़ पे करना पड़ता यानी कि मुझे इंटरेस्ट टैक्स शील्ड मिल जाती यानी कि आई टी एस मिल जाता दिस इज़ नथिंग बट द टैक्स सेविंग ऑन द इंटरेस्ट और इसका फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट अमाउंट मल्टीप्लाई बाय द टैक्स रेट यानी कि दस रुपये में इंटरेस्ट पटा रहा था टैक्स का रेट थर्टी परसेंट है तीन रुपये का सेविंग कर लेता तो इस तरीके से मेरी टैक्स की सेविंग हो जाती अगर मैं इंटरेस्ट पे कर रहा होता तीन रुपये का टैक्स मैं बचा लेता ठीक है तो इस तरीके से काम करता है आपका टैक्स शील्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस दस रुपये हैं आपके तो अगर मैं पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट एक्सपेंस की बात करूं, मतलब नेट आपकी जेब से कितना इंटरेस्ट गया तो मैं कहूंगा टेन रुपीज़ जो आपकी जेब से गया माइनस तीन रुपये जो आपने बचा लिए सात रुपये इज़ योर पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट एक्सपेंस यानी कि टेन रुपीज़ माइनस टेन रुपीज़ इंटू थर्टी परसेंट अगर टेन को कॉमन ले लोगे तो टेन रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय वन माइनस वन इंटू थर्टी परसेंट यानी कि टेन रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय वन माइनस पॉइंट थ्री जीरो यानी कि डेसिमल में ले, ले लेंगे थर्टी परसेंट को तो मेरा पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट का फॉमूला बन जाएगा इंटरेस्ट अमाउंट इंटू वन माइनस टैक्स रेट टैक्स रेट को डेसिमल में लेना है तो अगर आपको कहीं पर पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट निकालना है तो आप निकालोगे इंटरेस्ट अमाउंट मल्टीप्लाई बाय वन माइनस टैक्स रेट करके यानी कि टेन रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय वन माइनस पॉइंट थ्री जीरो दिस इज़ अ शॉर्टकट वे टू कैलकुलेट पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट एक्सपेंस और ये निकल कैसे रहा है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बात समझ में नहीं आती कि इंटरेस्ट टैक्स शील्ड कैसे काम करता है या टैक्स सेविंग कैसे होती है फॉर्मूले हम बता देते हैं फॉर्मूले याद हो जाते हैं लेकिन कंसेप्ट कहीं पीछे छूट जाता है मेरी कोशिश है कि मैं आपको कंसेप्ट भी सिखा सकूँ और आपको पूरा बैकग्राउंड दे सकूँ कि टैक्स सेविंग और इंटरेस्ट काम कैसे करता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको तीन रुपये की टैक्स की सेविंग हो गई ठीक है अब हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ यूनिट्स यूनिट्स प्ले अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन एस एफ एम तो यूनिट्स का बहुत बड़ा रोल होता है एस एफ एम में और बहुत बार हम इसे इग्नोर कर देते हैं लेकिन एडवांस लेवल क्वेश्चन को सॉल्व करने में कंसेप्ट को समझने में यूनिट्स का बहुत बड़ा रोल होता है यूनिट्स क्या होता है तो फॉर एक्ज़ाम्पल अगर आपने डिस्टेंस बोला ट्वेंटी फाइव किलोमीटर तो जो किलोमीटर है दैट इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस अगर स्पीड की बात करूँ तो अगर 40 किलोमीटर पर आर की स्पीड अगर मैंने बोली तो जो किलोमीटर पर आर है दैट इज़ यूनिट ऑफ स्पीड टाइम की बात करूँ तो सिक्स आवर्स तो जो आर्स हैं दैट इज़ द यूनिट ऑफ टाइम तो इस तरीके से यूनिट काम करता है बट हमारे एस एफ एम में यानी कि फाइनेंस की दुनिया में कॉमनली यूज यूनिट्स क्या क्या होते हैं चलिए देखते हैं तो मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर का यूनिट होता है रुपीज़ पर शेयर फॉर एग्ज़ाम्पल टेन रुपीज़ पर शेयर यानी कि एक शेयर की वैल्यू होती है दस रुपये पूरा बोलेंगे तो रुपीस टेन पर शेयर दूसरा आ रहा है मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड यानी कि रुपीस पर बॉन्ड फॉर example ट्वेंटी रुपीज़ पर बॉन्ड तो एक बॉन्ड बीस रुपये का है पूरा बोलेंगे तो ट्वेंटी रुपीज़ पर बॉन्ड ऐसे डिबेंचर के साथ भी होता है यानी कि ट्वेंटी रुपीज़ पर डिवेंचर एक डिवेंचर बीस रुपये का है एक्सचेंज रेट बिटवीन रुपीज़ एंड डॉलर्स का जो यूनिट होता है दैट इज़ रुपीज़ पर डॉलर फॉर एग्जाम्पल सेवेंटी रुपीज़ पर डॉलर यानी एक डॉलर सत्तर रुपये का है तो दीज आर कॉमनली यूज यूनिट्स यूनिट्स काम कैसे करते हैं जो कि मेन डिस्कशन है उस पर चलते हैं दैट इज़ यूसेज ऑफ यूनिट्स मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर अगर दिया हुआ है दस रुपये तो हम बोलेंगे दस रुपये पर शेयर नंबर ऑफ शेयर्स इज़ टू थाउजेंड यानी कि टू थाउजेंड शेयर्स तो अगर मुझे मार्केट वैल्यू निकालनी है तो मैं सिंपली क्या करता हूँ टू थाउजेंड इंटू टेन करता हूँ लेकिन इंटरनली जो यूनिट्स काम करते हैं वो देखना बहुत ज़रूरी है यानी कि मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ शेयर्स यानी कि रुपीज़ टेन पर शेयर मल्टीप्लाई बाय टू थाउजेंड शेयर्स इतना तो हमें पता है रुपीज़ टेन पर शेयर का मतलब होता है रुपीज़ टेन अपॉन वन शेयर यानी कि एक शेयर दस रुपये का है मल्टीप्लाई बाय टू थाउजेंड शेयर्स शेयर और शेयर वाला जो यूनिट है वो कट जाएगा सिर्फ रुपीज़ वाला यूनिट बचेगा यानी मार्केट वैल्यू आ जाएगी रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड तो जो न्यूमरिक वैल्यू है टू थाउजेंड और दस ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और यूनिट्स अगर आप नोटिस करेंगे तो शेयर और शेयर कैंसिल हो चुके हैं एक ही यूनिट बचा है विच इज रुपीज़ तो आंसर आ जाएगा रुपीज़ ट्वेंटी थाउजेंड तो इस तरीके से यूनिट्स काम करते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है आपको समझना क्योंकि आने वाले डिस्कशंस में बहुत काम आएगा यूनिट्स तो इस तरीके से यूनिट्स कैंसिल आउट होते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ मेथड टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग विथ चेंजेस कंटिन्यूसली जिसे हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल कहते हैं एग्जाम्पल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट तो अगर आपको फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो बहुत ही रैंडम वेरिएबल है यानी कि प्रॉफिट कुछ भी हो सकता है हमें नहीं पता सिंस फ्यूचर अनसर्टेन है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो मैं सोच रहा हूँ उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कुछ भी हो सकती है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प करता है ऐसे ही कोई वेरिएबल यानी कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी निकालने में तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक मेथड हो गया टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग विथ चेंजेस कंटिन्यूसली क्योंकि बिजनेस में प्रॉफ़िट कितना होगा हमें नहीं पता फ्यूचर में तो उसके लिए हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर सकते हैं ठीक है अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफ होता है उसको डिस्कस करते हैं तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है यानी कि बेल शेप्ड कर्व होता है यानी कि इसका जो शेप है दैट इज़ अ बेल शेप्ड कर्व यहाँ पे जो कर्व है ये कभी भी जो आपका एक्स एक्सिस है उसको टच नहीं करेगा यानी कि माइनस इन्फिनीटी से लेकर के प्लस इन्फिनीटी तक की वैल्यूज में रहेगा लेकिन कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा एक्स एक्सिस इसको टच नहीं करेगा ठीक है जो बीच का पॉइंट है दिस इज म्यू इसको म्यू बोलते हैं दिस इज मीन वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू जो आपका वाई एक्सिस है दट इज सिग्मा जिसको हम स्टैंडर्ड एविएशन बोलते हैं लेफ्ट वाले पोर्शन को बोलते हैं लेफ्ट टेल यानी कि माइनस इंफिनिटी से लेकर के म्यू का जो पोर्शन है इसको बोलेंगे लेफ्ट टेल और म्यू लेकर के प्लस इन्फिनिटी के एरिया को बोलेंगे राइट टेल तो टेल क्यों बोल रहे हैं क्योंकि शेप टेल जैसा है यहाँ पर लेफ्ट टेल यहाँ पर राइट टेल इसके अलावा जो यहाँ पे पोर्शन है ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इसको हम बोलते हैं एरिया ठीक है तो एक एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं टोटल एरिया यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू तो वन तो यहाँ पर जो मैं एरिया की बात कर रहा हूँ दैट इज़ दी प्रोबेबिलिटी और ये पूरी एरिया यानी कि माइनस इन्फिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी का जो एरिया है उसका टोटल वन आएगा यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू वन ये चीज़ तो हमको पता है कि जो प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं उनका टोटल वन आता है यानी कि पॉइंट टू प्लस पॉइंट फोर प्लस पॉइंट समथिंग टोटल शुड भी वन यानी कि प्रोबेबिलिटीज़ का टोटल वन होना चाहिए तो टोटल प्रोबैलिटी इजिकल टू वन यानी कि टोटल एरिया इजिकल टू वन एरिया फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू म्यू इजिकल टू एरिया फ्रॉम म्यू टू प्लस इन्फिनी यानी कि पॉइंट फाइव तो लेफ़्ट टेल की जो एरिया होती है दट इज़ पॉइंट फाइव एंड राइट टेल की एरिया भी जो होती है दट इज़ पॉइंट फाइव यानी कि पॉइंट फाइव प्लस पॉइंट फाइव इज इक्ल टू वन तो जो लेफ़्ट टेल की एरिया है दट इज़ इक्ल टू राइट टेल एरिया पॉइंट फाइव म्यू का क्या मतलब है म्यू का मतलब है मीन वैल्यू यानी कि एवरेज वैल्यू हमारे में, value के इसमें वैल्यू यानी कि प्रॉफिट तो एवरेज प्रॉफिट की बात चल रही है यानी कि बिजनेस में आपको एवरेज प्रॉफिट कितना होता है सिग्मा तो ये जो साइन बना हुआ इसको है इसको सिग्मा बोलते हैं सिग्मा का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द वैल्यू इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट जो आप एक्सपेक्टेशन रखे हो यानी कि जो आपकी एवरेज प्रॉफिट है दिस इज द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ये कितना डेविएट होगा यानी कि कितना चेंज होगा दैट इज डेविएशन तो क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी इन द केस ऑफ अ कंटिन्यूसली चेंजिंग वेरिएबल सच एज प्रॉफिट तो फाइव स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं सबसे पहले म्यू और सिग्मा निकालना है दूसरा रिक्वायर्ड वैल्यू मतलब आपका रिक्वायर्ड वैल्यू कितना है यानी कि उसको हम एक्स बोलेंगे फिर जेड निकालेंगे जेड का फॉर्मूला होता है जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा व्हाट इज जेड देट इज नॉट द एरिया जेड इज़ वैल्यू दैट रिप्रेजेंट्स द एरिया मतलब z हमको हेल्प करेगा एरिया निकालने में उसके बाद हम z टेबल यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूज़ करेंगे और z की वैल्यू यूज़ करके एरिया निकालेंगे जो भी एरिया आएगी उसे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x कहेंगे यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड वैल्यू चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको कि मेरा एवरेज प्रॉफिट यानी कि मेरा जो मीन प्रॉफिट है यानी कि जो मेरा मीन है जिसे म्यू बोलता हूँ थर्टी फिफ्टी रुपीज़ मतलब बिजनेस में मैं एवरेज यानी कि ऑन एन एवरेज पचास रुपये कमाता हूँ स्टैंडर्ड एविएशन दस रुपये है इसका मतलब ये है कि जो मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ वहाँ पे जो मुझे प्रॉफिट होने वाला है वो तो पचास रुपये में दस रुपये ज़्यादा साठ रुपये या फिर पचास रुपये में दस रुपये कम चालीस रुपये हो सकता है मतलब पचास रुपये के आजू बाजू हो सकता है दस रुपये ज़्यादा या दस रुपये कम दिस इज़ दी स्टैंडर्ड एविएशन प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉफिट विल बी मोर देन और इक्वल टू सिक्सटी अगर पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे यानी कि क्या प्रोबेबिलिटी है क्या प्रॉफिट कमाओगे मोर देन और इक्वल टू सिक्सटी क्वेश्चन में दिया होगा एरिया ऑफ जेड ज़ीरो टू वन पॉइंट थ्री फोर वन थ्री तो कैसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर मेरा जो एक्स है दैट इज सिक्सटी रुपीज़ यानी कि रिक्वायर्ड प्रॉफिट कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं साठ रुपये या उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमाऊँ तो स्टेप नंबर वन था मेरा म्यू एंड सिगमा तो निकाल के दिया हुआ है रिक्वायर्ड वैल्यू एक्स तो मेरी सिक्सटी रुपीज़ है अब मैं जेड निकालूंगा यानी कि x माइनस म्यू अपऑन सिग्मा, विच इज़ सिक्सटी रुपीज़ माइनस फिफ्टी रुपीज़ अपॉन टेन रुपीज़ यानी कि टेन रुपीज़ डिवाइडेड बाई टेन रुपीज़ तो आप नोटिस करेंगे तो रुपीज़ और रुपीज़ कट जाएगा जो कि मैंने आपको बेसिक्स ऑफ यूनिट्स में सिखाया था कि यूनिट कैंसल आउट हो जाते हैं तो यहाँ पर भी यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे रुपीज़ रुपीज़ कट जाएगा आंसर आएगा वन ठीक है तो मेरा जेड आ गया जेड के बाद क्या करना है तो जेड टेबल या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखना है जिससे एरिया पता चलेगी उसके लिए हमको ग्राफ बनाना पड़ेगा यानी कि जो मैंने आपको डायग्राम सिखाया था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वो बनाना पड़ेगा मेरा म्यू है फिफ्टी ठीक है माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी का ग्राफ है मेरा सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड स्टैंडर्डिवेशन है दस ठीक है अब अगर मैं म्यू पर जेड की वैल्यू निकालूं तो म्यू पर जेड की वैल्यू ज़ीरो होती है ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मैं म्यू पे जेड की वैल्यू निकालूंगा तो एक्स की वैल्यू इजिकल टू म्यू की वैल्यू लेके चलना पड़ेगा यानी कि फिफ्टी माइनस फिफ्टी अपॉन टेन तो आंसर आएगा जीरो तो मेरा जेड का वैल्यू आएगा जीरो तो हमेशा म्यू पर जेड का वैल्यू ज़ीरो होता है अभी मेरा एक्स है सिक्सटी मतलब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा प्रॉफिट साठ रुपये से ज़्यादा हो यानी मेरा एक्स है सिक्सटी यहाँ पर मेरा जेड का आंसर आया वन ठीक है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि Z का जो एरिया है फ्रॉम ज़ीरो टू वन इज़ पॉइंट थ्री फोर वन थ्री यानी कि ये जो एरिया है फ्रॉम जीरो मतलब Z का वैल्यू जीरो टू Z का वैल्यू वन इज़ पॉइंट थ्री फोर वन थ्री बट मेरे को क्या चाहिए मेरे को चाहिए कि मैं प्रॉफिट साठ रुपये उससे ज़्यादा कमाऊँ यानी मेरी एक्स की वैल्यू इज़ मोर देन इक्वल टू सिक्सटी मतलब आगे की एरिया चाहिए मुझे सिंस मैं चाह रहा हूँ कि मैं साठ रुपये यानी कि सिक्सटी रुपीज़ कि जितना प्रॉफिट कमाऊँ या उससे ज़्यादा कमाऊँ मुझे ये वाला एरिया चाहिए तो ये कैसे निकलेगा तो सिंस मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो राइट टेल की एरिया होती है दैट इज़ इक्वल टू द लेफ्ट टेल एरिया यानी कि पॉइंट फाइव अगर आप पॉइंट फाइव में से पॉइंट थ्री फोर वन थ्री एरिया माइनस कर दोगे तो आपको ये वाला एरिया मिल जाएगा नाउ योर एरिया विल बी पॉइंट फाइव माइनस पॉइंट थ्री फोर वन थ्री आंसर आएगा पॉइंट वन फाइव एट सेवन प्रोबेबिलिटी कह सकते हो पॉइंट वन फाइव एट सेवन या फिर फिफ्टीन पॉइंट एट सेवन परसेंटेज तो मेरी प्रोबेबिलिटी है फिफ्टीन पॉइंट एट सेवन परसेंट कि मैं प्रॉफिट कमाऊँ सिक्सटी रुपीज़ और मोर ये हमने कैसे निकाला तो हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूज़ किया और ये फाइव स्टेप्स फॉलो किए म्यू एंड सिगमा देन रिक्वायर्ड वैल्यू एक्स दैन जेड निकाला विच इज़ एक्स माइनस म्यू अपॉन सिगमा फिर जेड टेबल यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूज़ किया जैसे कि एरिया निकल के आई यानी कि ग्राफ यूज़ किया और फाइनली प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई आपको ध्यान क्या रखना है आपको ध्यान ये रखना है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर यूज़ होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी तो निकालनी है लेकिन किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसी ऐसी वैल्यू की विच इज़ कंटिन्यूसली चेंजिंग यानी कि इट इज़ अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल ठीक है तो वहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन काम आता है और कुछ इस तरीके से जो मैंने एग्जाम्पल ड्रॉ किया आपका आंसर आएगा फिफ्टीन इसका मतलब ये है द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल अर्न द प्रॉफिट मोर देन और इक्वल टू सिक्सटी इज फिफ्टीन पॉइंट एट सेवन परसेंटेज ठीक है